लिए सत श्री अकाल सारानू, आई होप आप सब अपने घर पे ठीक होंगे। सो अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, एक्चुअली वो एक ऐतिहासिक घटना है, एक ऐसी घटना कि जिसको सुन के आपकी आंखें नम हो सकती हैं, आपको किसी पर गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन हमारे बच्चों को और हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जिस आज़ादी को हम और हमारे बच्चे इतना इंजॉय कर रहे हैं, वो आज़ादी हमें कैसे मिली। जी बिल्कुल, मैं जन संहार जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है हत्याकांड के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसको जन संहार के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में मैं सारी बातें बताने जा रही हूँ, क्या सरकमस्टांसेस रहे थे, क्या रीज़न रहे थे इस हत्याकांड के, क्यों ऐसा हुआ था, अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया था, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ बताने जा रही हूँ आप सभी को। ये सारी चीज़ें सुनने के लिए मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ से हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग, आप देख सकते हो इस गेट से एंट्री है। इधर अमृतसर गोल्डन टेंपल हम गए हैं इस वाले रास्ते से, अब यहाँ से हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग। बाग में कितनी भीड़ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हंसते खेलते हुए चेहरे अपने माँ बाप के साथ, लेडीज बूढ़े लोग सब यहाँ पर हैं। और ये भीड़ तो उस टाइम के मुकाबले कुछ भी नहीं है, अगर सोचो इसी टाइम यहाँ फायरिंग शुरू हो जाए और सभी गेट बंद हो जाए तो आप लोग क्या करोगे, आपके परिवार वाले यहाँ होंगे। इससे ज्यादा दर्दनाक घटना उस टाइम हुई थी 13 अप्रैल 1919। आओ चलो देखते हैं कि ये सारी चीजें हुई कैसे। आप देख रहे हो किस तरह फायरिंग चल रही है। बच्चों के वास्ते कुछ लोग कंधा पार कर रहे हैं, कंधे में खूब बिच छा रहे हैं, कुछ बच गए बच्चों के सब अगर आप ये देख रहे हो ये वो कुआ है फ्रेंड्स, जहाँ लोगों ने कूद के अपनी जान दे दी थी गोलियों से बचने के लिए, या ये कि इनकी गोलियों से मरने से अच्छा है हम इसी में कूद जाते हैं। इसका मतलब ये तो मम्मी को बड़ा करके भी बनाया है ये चीज़।
प्रभु ये सालवेशन ग्राउंड है। जैसे अमर ज्योति है कभी नहीं बुझती है, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो या ऐसी रहती है। जनरल डायर ने हजारों मासूम निहत्थे हिंदुस्तानियों पर लगातार गोलियां चलवाई। यही नहीं, उन लोगों के भागने का तमाम रास्ते बंद कर दिए गए सिवाय मौत के। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आगे जाकर क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले जनरल डायर को गोली मार दी और इस हत्याकांड का बदला ले लिया। तारीख थी 10 अप्रैल। रोलेट एक्ट का विरोध चल रहा था और अंग्रेजों ने इस एक्ट के विरोध करने के लिए सैफुद्दीन किचलू डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर दिया गया। रोलेट एक्ट को उस समय का काला कानून सीधे लोगों पर फायर का आदेश दे दिया। बिना किसी चेतावनी के, बिना एक शब्द बोले जनरल डायर के आदेश का पालन करते हुए सैनिकों ने अपनी अपनी बंदूकों का मुंह खोल दिया और लगातार गोलियां लोगों पर बरसने लगी। जलियांवाला बाग में जनरल डायर 50 राइफल और इतनी ही खुखरी लेकर पहुंचा था। इसका मतलब है कि वो पहले से डिसाइड करके आया था कि उसे क्या करना है। जवानों ने इस दौरान लगभग 10 मिनट में 1600 राउंड फायर किए। लोगों को न संभलने का मौका मिला और न बचकर भागने का। जवान बिना रुके लगातार फायरिंग कर रहे थे। जनरल डायर ने आदेश ही कुछ ऐसा दिया था, फायरिंग केवल बंदूक में गोली लोड करने के दौरान ही धीमी पड़ गई। लोगों ने वहां मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग दीवार फांदकर भाग जाना चाहते थे, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। लोग वहां कुआं कूदकर मरने वाले लोगों के खून से भर गया। कुएं को आज भी खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। और इतना ही नहीं, इस बाघ की दीवार 10 मिनट हुई इस अंधाधुंध फायरिंग के बाद जनरल डायर राक्षसों की तरह हंसता हुआ वहां से बाहर चला गया। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। चारों तरफ इस घटना की निंदा होने लगी और इस घटना की जांच का जिम्मा लेफ्टिनेंट माइकल ऑडवायर को दिया गया। गोली चलाने वाले जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा कि गोली चलाना उसकी मजबूरी बन गई थी। उसे अपने कर्तव्य का पालन किया। अगर वो गोलियां नहीं चलवाता तो वहां मौजूद भीड़ उसे ही मार देती। ये मार्शल लॉ का उल्लंघन होता। बहुत मेहनत करते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं।